सोलो चपाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एंड हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग जो है वो आपसे शेयर करेंगे नया लेसन प्लान जो रहने वाला है हमारा RCM अप्रोच के बेस्ड पे, यानी RCM दृष्टिकोण के आधार पर। और पाठ योजना रहने वाली है हमारी, और ये रहेगा हमारा विज्ञान का, ठीक है, और जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। और आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं का जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हमारा है जीवों में श्वसन, ठीक है, यानी रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा, देखते हैं यहाँ पे, वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक अगर आपके लिए वीडियो रही हो हेल्पफुल, ठीक है। सो शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको पता है, ठीक है, कि हमारा रहने वाला है यहाँ पे RCM अप्रोच, ठीक है। तो RCM अप्रोच का आप सबको पता है क्या थी, ठीक है, किसने दी थी, ठीक है। तो RCM अप्रोच का मतलब होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो हमारा मैसूर में था, ठीक है। तो उन्होंने एक अप्रोच दी थी, ठीक है, कि हमें कैसे कोई भी जो पाठ योजना है उसको तैयार करना है, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे एंड ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहता है ए स्टेप, ठीक है। तो ए स्टेप के अंदर हमारा क्या रहता है, आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है, पहचान डेटा, जिसके अंदर हमारा पहला रहता है 76 शिक्षक का नाम, यानी पीपल टीचर का नाम, रोल नंबर क्या है, कक्षा 7वीं रहेगी, विषय हमारा विज्ञान रहेगा, और इसका एस्पेक्ट रहेगा हमारा जीव विज्ञान, ठीक है, पहलू जिसको हम बोलते हैं विषय, ठीक है, यानी टॉपिक, या आप ऐसे कर लो टॉपिक, ठीक है, जीवों में श्वसन, ठीक है, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अवधि हमारी वही रहती है 30 से 40 मिनट, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको यहाँ पे लगा देना है क्या, एक छोटा सा मिनीचर जो भी आपका लेसन प्लान रहेगा, ठीक है। तो आप जो है वो गूगल से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका टीचिंग एड है, ठीक है, जो भी आपका टीचिंग एड है उसका आप जो है वो फोटो लेके एक छोटा सा यहाँ पे जो है मिनीचर प्रिंट आउट निकाल सके लगा सकते हैं, ताकि एक अच्छे से जो आपका लेसन प्लान है वो दिखे, ठीक है। बी स्टेप आ जाता है हमारा, जिसके अंदर हमारा रहता है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है, निवेश, अभी हम क्या निवेश करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बी पॉइंट रहता है हमारा शिक्षण बिंदु, यानी टीचिंग पॉइंट्स, ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन यानी सांस लेने के बारे में, इसको हम लोग श्वास भी बोलते हैं, ठीक है, श्वासन। उसके बाद हमारा ब्रीदिंग कंसेप्ट यानी श्वास की अवधारणा, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी श्वास की जो क्रियाविधि है इसके बारे में, और ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, यानी सांस लेने में जो शामिल अंग हैं हमारे। तो ये हमारे क्या रहेंगे, सारे के सारे शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट्स रहने वाले हमारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो हमारा क्या रहता है, B2 पॉइंट, जो हमारा क्या रहता है ऑब्जेक्टिव्स, हमारे लेसन के क्या क्या रहने वाले हैं, उद्देश्य जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहला रहता है कि बच्चों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वभाव पैदा करना, ठीक है, बच्चों के बीच कल्पना करने की शक्ति जो है, और विश्लेषण कौशल यानी एनालिटिकल स्किल जो है उसका विकसित करना, उसका विकास करना, बच्चों के बीच अवलोकन की अवलोकन का कौशल विकास करना, ठीक है, विकसित करना मीन्स उनके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन स्किल का डेवलप करना, ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान के ज्ञान के साथ छात्रों को जागरूक करना कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो साइंस है, इसकी जो नॉलेज है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए बच्चों को अवेयर करना, ठीक है। फिर श्वास और श्वसन यानी ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन की समझ, और ज्ञान के साथ छात्रों को परिचित कराना, ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बच्चों को जो है वो करवानी। तो देखते हैं हमारा B3 पॉइंट, आप सबको पता क्या रहता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, ठीक है, अपेक्षित व्यवहारिक परिणाम, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आप लेसन प्लान रेडी करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन हम जो है वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बच्चे जो है वो करने के योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, जब हम लोग जो है वो ये पाठ जो है वो पढ़ा देंगे। तो इस पाठ को पूरा होने के बाद छात्र जो है वो सक्षम होंगे, किस किस चीज़ में सक्षम में होंगे, तो श्वसन और श्वास की परिभाषा को याद कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, याद कर पाएंगे यानी रिकॉल कर पाएंगे कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन का कंसेप्ट जो है समझ, पहला तो नॉलेज आ गया, फिर अंडरस्टैंडिंग। छात्र जो है वो एरोबिक और एनारोबिक जो श्वसन होती है, ठीक है, रिस्पायरेशन होती है, इसके बीच में अंतर करने में सक्षम होंगे, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर आवेदन यानी एप्लीकेशन, तो श्वास प्रक्रिया में शामिल जो भी अलग अलग अंग हैं, पार्ट्स हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए उनकी समझ, यानी वो उनके अंदर जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है, तो समझ आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, उनके अंदर इतनी जो है वो समझ आ जाएगी कि
और वो एनालाइज कर पाएंगे, यानी विश्लेषण कर पाएंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो जब हम ब्रीदिंग ले करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी श्वास प्रक्रिया में। देन आ जाएगा हमारा टीचिंग एड्स, ठीक है। तो हम क्या क्या शिक्षण सहायक उपकरण यूज़ कर रहे हैं, सामग्री यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा दो रहता है, ठीक है। एक तो रहता है हमारा सामान्य, ठीक है, जनरल टीचिंग एड्स, और दूसरा रहता है हमारा विशिष्ट यानी स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। तो सामान्य शिक्षण सहायता की बात करें तो यहाँ पर हमारा ब्लैक बोर्ड आता है, चाक हो गया, डस्टर होगा, पॉइंटर आदि जैसे जो भी सामान्य कक्षा के अंदर उपकरण होते हैं, ठीक है, यानी जो भी हमारी अवेलेबल जो भी ऑपरेटर्स है क्लासरूम के अंदर वही यूज़ होता है, ठीक है, एज अ जनरल टीचिंग एड, क्योंकि वो जनरल है, वो हर एक जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। फिर हमारा रहता है विशिष्ट। अब विशिष्ट से आप समझ रहे होंगे, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो भी हमारा विषय रहने वाला है, तो वही जो है उसके रेलिवेंट, ठीक है, उसके निर्धारित जो है हम जो है वो जो भी यहाँ पे शिक्षण सहायक उपकरण यूज़ करेंगे दैट इज़ विशिष्ट, ठीक है। तो जैसे हम चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, मॉडल या ऐसी कोई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हमारा क्या रहेगा, विशिष्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सी स्टेप, दैट इज़ प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंदर क्या रहता है, प्रोसेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया गतिविधियाँ होने वाली हैं वो सारी इसमें आएंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मोटिवेशन करते हैं। जैसे पीपल टीचर जो है वो कक्षा के अंदर प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, मोटिवेशन, ठीक है, पहले तो विश करेगा देन मोटिवेशन। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्टली वो आया और उसने जो भी पार्ट पढ़ाना है वो डायरेक्टली उसका नाम जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, उस पर बच्चों को उनका जो भी पूर्व ज्ञान है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, परीक्षा करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, या फिर जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी उनका पूर्व ज्ञान है, उसको वो जो है वो कनेक्ट करेगा विद द प्रेजेंट ज्ञान, जो भी अभी उनका वर्तमान में ज्ञान है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है विषय के लिए बच्चों के बीच रुचि पैदा करना, उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करना बच्चों के बीच, और उनके पिछले ज्ञान की परीक्षण करने के लिए छात्र शिक्षक हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो छात्र जो शिक्षक होगा हमारा वो क्या करेगा, कुछ प्रश्न जो है वो पूछेगा, ठीक है, जैसे जीवन की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो जैसे अपेक्षित उत्तर क्या रहेगा हमारा, एक्सपेक्टेड आंसर, जल, वायु, भोजन आदि, ठीक है, इत्यादि बच्चे बोलेंगे। फिर हमारा पूछेंगे कि बताओ बच्चा बाटी, अब हवा हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, जब हम हवा जो है, तो एक्सपेक्टेड इसका भी आएगा नाक और मुँह के मध्य से, है ना, मीडियम इसके थ्रू, ठीक है। देन आएगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या सांस लेते हैं, ठीक है, हम सांस में क्या लेते हैं, ऐसे लिख लेना इसको, तो हम सांस में क्या लेते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। फिर क्या सभी जीव एक ही तरह से सांस लेते हैं, तो ये आपको बताना है, तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम, ठीक है सर, जो भी है। तो फिर आ जाएगा कि श्वसन क्या है, ठीक है, आप पूछ दोगे कि श्वसन क्या है, तो फिर बच्चे जो है वो इसका आंसर दे भी सकते हैं, यानी मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो छात्र जो है वो प्रतिक्रिया दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर दे देते हैं, यानी वो प्रतिक्रिया दे देते हैं, यानी रिस्पॉन्स कर देते हैं, तब आप कोई भी आंसर नहीं करोगे, डायरेक्टली बोल दोगे जी बच्चा आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं श्वसन के बारे में, ठीक है, और जीवों के अंदर जो होता है। तो ये आप डायरेक्टली बोल के आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है वो विषय का जो है वो नाम लिख दोगे। लेकिन अगर वो नहीं देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, देन आप जो है वो आखिरी प्रश्न जो होगा उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो छात्र शिक्षक जो है वो अंतिम प्रश्न का उत्तर देगा, देन आप छात्रों से कहोगे कि आप जो है आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में श्वसन, ठीक है, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ ही जो छात्र शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर विषय का नाम लिख लेगा, टॉपिक का नाम, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन, तो प्रस्तुति अब होगी, ठीक है, अब हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, चीज़ों को। इसके अंदर हमारा क्या रहता है, आप सबको पता है चार कॉलम बनते हैं हमारे, ठीक है, कंटेंट रहता है, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड देन ब्लैक बोर्ड समरी। अगर हम बात करें तो सामग्री हो गया, छात्र शिक्षक गतिविधियाँ और छात्रों की गतिविधियाँ क्या क्या रहने वाली हैं, और ब्लैक बोर्ड सारांश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पीपल टीचर बोलेगा, ब्रीदिंग के बारे में उनको जो कंसेप्ट है, इसकी अवधारणा जो है उसको व्याख्या करेगा, ठीक है। तो फिर विद्यार्थी जो है वो ध्यान से सुनेंगे, तो श्वास क्या होता है, ब्रीदिंग, तो आपके फेफड़ों में हवा लेने की प्रक्रिया यानी सांस लेना और उसको बाहर निकालना, सांस छोड़ना, ठीक है, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है, यानी श्वास। तो ये बच्चों को बता देगा कौन, पीपल टीचर। देन आप बताओगे, पीपल टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि श्वसन क्या होता है, यानी सांस लेना, रिस्पायरेशन, ठीक है, श्वसन बोलते हो आप इसको। तो विद्यार्थी जो है वो ध्यान से सुनेंगे और छात्र जो है वो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको नोट करेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे।
तो फिर पीपल टीचर जो है वो बताएगा कि श्वसन जो है वो क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के सहयोग से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रिहाई होती है, यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बता देना आपने, यानी कम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल में हो रहा है, ठीक है, सरल में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप बता दोगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन के प्रकार। तो छात्र शिक्षक चार्ट मॉडल जो भी आपने लेके गए हो उसकी मदद से श्वसन के प्रकारों की व्याख्या करेंगे आप, ठीक है, और छात्र छात्राओं को जो है समझाएगा कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, जो भी छात्र शिक्षक लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख लेना आप यहाँ पे, छात्र शिक्षक, ये छात्र लिख रखा है सिंपली, तो इसके साथ छात्र शिक्षक होगा हमारा, क्या होगा, छात्र शिक्षक, ठीक है। तो छात्र शिक्षक जो है वो हमारा क्या करेगा, एक मिनट यार, छात्र शिक्षक जो है वो बच्चों को, छात्रों को समझाएगा कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक हो गया और एनारोबिक, ठीक है। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, चार्ट को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, और छात्र जो है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर बताएगा एरोबिक श्वसन क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है, जिसको हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना है आपने। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ा दोगे, ठीक है, सामने क्लियरली विजिबल है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ब्रीदिंग का प्रोसेस, ठीक है, तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पीपल टीचर जो होगा, ठीक है, ये पुतली ऐसे लिखती है, जो पीपल टीचर होगा यानी छात्र शिक्षक जो होगा वो मॉडल की मदद से सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में समझाएगी, ठीक है, समझाएगा या समझाएगी जो भी अगर मैम है सर है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चार्ट मॉडल को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में दो मुख्य चरण शामिल, ठीक है, आप बताओगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है, सांस लेना सांस छोड़ना। सांस लेना या भाई आ गया हवा, जो हवा को फेफड़ों में ले जाना, ठीक है, जो ऑक्सीजन के रूप में होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, यानी सांस लेना। सांस छोड़ना मीन्स एक्सहेलेशन, ठीक है, तो फेफड़ों से हवा को बाहर निकालना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जिसे सांस छोड़ना कहा जाता है, यानी एक्सहेलेशन कहा जाता है। फिर आ जाएगा और ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, यानी सांस लेने में शामिल कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो फिर चार्ट और मॉडल की मदद से जो पीपल टीचर है छात्र शिक्षक लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, वंस अगेन छात्र शिक्षक, ठीक है, तो ये ज़्यादा गलत हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, छात्र शिक्षक, ठीक है। तो अब छात्र शिक्षक जो है वो मॉडल की मदद से पढ़ाएगा उनको प्रक्रिया, ठीक है, कि कौन कौन से अंग जो है वो शामिल होते हैं सांस लेने में यानी ब्रीदिंग में। तो छात्र भाई ध्यान से सुनेंगे, चार्ट मॉडल को ध्यान से देखेंगे, तो सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल अंग जैसे नाक हो गया हमारा, माउथ हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, गला हो गया हमारा, ठीक है, और फिर आवाज़ बॉक्स यानी हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है, विंड पाइप हो गया, देन ये हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, और देन फेफड़े, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो छात्र महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या कर देंगे, नोट। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, आज का पाठ खत्म। अब आप क्लोजर करोगे, ठीक है, समापन करोगे, तो समापन में क्या होता है कि वही होता है जो हमने ऊपर पढ़ा वैसे उसकी समरी, ठीक है, ठीक है, सारांश करना है उसका हमने। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप बता दो कि बच्चे हो, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जाना, ठीक है, ब्रीदिंग के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है, जो कि फेफड़ों में हवा ले जा हवा को लेना और उसे बाहर निकालना, ठीक है, और श्वसन प्रक्रिया जिससे एक जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, वही आ गया। श्वसन मीन्स रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक करते हैं एंड देन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रिहाई होती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होती है वो हमारा एरोबिक, जिसमें नहीं होती है वो क्या होता है हमारा एनारोबिक, ठीक है। तो लिख रखा है यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर आ जाएगा हमारा श्वास प्रक्रिया में शामिल कौन कौन से अलग अलग जो अंग हैं जैसे नाक मुंह गला, ठीक है, तो ये होते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल जारी रखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या कर दोगे, समापन। देन आ जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट मीन्स परिणाम क्या रहने वाला है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप परिणाम भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और
एक मिनट यार, तो आउटपुट मीन्स परिणाम। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आउटपुट आउटपुट भी लिख सकते हो आप हिंदी में, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे परिणाम। ठीक है, तो परिणाम क्या रहने वाले हैं हमारे, वास्तविक में क्या क्या सीखा अभी, तो विषय के बारे में छात्रों द्वारा प्राप्त जो भी ज्ञान उन्होंने करा, ठीक है, विषय के बारे में छात्रों द्वारा प्राप्त छात्रों की समझ और ज्ञान की परीक्षा करने के लिए छात्र शिक्षक यहाँ पे, ठीक है, वंस अगेन यहाँ पे छात्र शिक्षक, तो छात्र शिक्षक जो है वो छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। तो ये अनिवार्य नहीं है कि आप यहाँ पे प्रश्न ही पूछो, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो वास्तविक जब हमारा रियल लर्निंग आउटपुट नहीं होगा, यहाँ पे आउटकम होगा, ठीक है। रियल लर्निंग आउटकम, तो जब हमारा वास्तविक में जो हमने सीखने का परिणाम है हमारा, तो ये अनिवार्य नहीं है कि आप यहाँ पे हमेशा प्रश्न ही पूछो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, खाली स्थान भरो, ठीक है, सही गलत ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो सवाल जैसे आपको यहाँ पे कि श्वसन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, और श्वास श्वसन से कैसे अलग है, यानी ब्रीदिंग रिस्पायरेशन से कैसे अलग है, एरोबिक श्वसन क्या है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, ठीक है, और श्वसन जो है इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, रिस्पायरेशन की। इसके साथ आप क्या करोगे, D2 स्टेप, दैट इज़ अ होम असाइनमेंट, घर के लिए कार्य। तो यहाँ पे आ जाएगा कि मानव श्वसन प्रणाली का एक अच्छी तरह से जो है वो लेवल किया गया साफ और स्वच्छ आरोक बनाए, यानी आपको स्केच बनाना है, ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है रिस्पायरेशन सिस्टम की या ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन प्लान जो हमने आपसे डिस्कस करा, ठीक है। अगर कहीं पर मिस्टेक होगी हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। मुझे लगता नहीं है लेकिन कहीं पे हुआ होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहीं वाली चीज़ें वहाँ लिखोगे, बस ये होता है कि आपको यहाँ से एक जनरल आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, तो शिक्षक, ठीक है, ये याद रख लेना। यहाँ पे सिर्फ छात्र लिख रखा है ना, वहाँ पे आपको क्या कर देना है, शिक्षक जरूर लिख लेना है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी सिर्फ छात्र लिख रखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं था तो पीपल टीचर, ठीक है, ये लिख रखा है छात्र शिक्षक, ठीक है, कहीं पे सिर्फ छात्र लिख रखा है, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या लिख लेना, वहाँ पे शिक्षक जरूर लिख लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जो भी हमारे हिंदी माते वाले बच्चे हैं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, ठीक है, तो वो भी प्लेलिस्ट में के अंदर जो है वो इंग्लिश वाले RCM अप्रोच के लेसन प्लान देख सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है भाई लोग, ठीक है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, BEd के रिलेटेड आपको हर एक चीज़ जो है वह वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड हैव अ गुड डे।